राम राम जी, आप सभी का स्वागत है लाला जी के ढाबा में। आज हम दाल अरहर का तड़का वाली बना रहे हैं, जो कि बहुत बनाना आसान है। और जब आप ये बनाना सीख जाएंगे तो बोलेंगे हम रोज रोज बना के अपने घर पे खाएं। तो देखिए, हमने गैस जला लिया है और पतीला रख दिया है। इसमें हम डाल रहे हैं 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल। अगर आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा ढाबा है तो हमारा बारा नहीं खाता, हम घी डाल कर बना नहीं सकते हैं क्योंकि उतना हम महंगा बेच नहीं पाते हैं। ये देखिए, इसमें एक बड़ा चम्मच जीरा डाल दिया है। तो आप जीरा के बाद लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लहसुन कटा हुआ डाल सकते हैं, अदरक कटा हुआ डाल सकते हैं, जिससे आप जो घर पे बनाएंगे और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। लेकिन हम लोग ढाबा में सस्ता सुविस्ता बनाने के लिए, बारा खाने के लिए, हम लोग ये जीरा और 50 ग्राम ये हरी कटी मिर्च डाले हैं। तो हम लोग एकदम सस्ता तरीका बताने के लिए या बनाने के लिए और बारा खाने के लिए हम लोग ये बनाते हैं। तो आप इसमें लाल मिर्चा भी डाल सकते हैं, लहसुन कटी हुई, और ये देखिए हमने 1 पाव प्याज कटा हुआ डाल दिया है। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। और अदरक भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये देखिए। और ये हमारा 1 पाव है टमाटर पिसा हुआ, आप चाहें तो इसमें कटा हुआ भी टमाटर डाल सकते हैं। और हमने ये जो फ्राई कर रखा है टमाटर प्याज का, ये आधा किलो दाल के लिए है, हमने आधा किलो दाल उबाल दिया है। और देखिए, हल्दी 1 चम्मच इसमें बड़ा चम्मच डाल दिए हैं। ये एकदम सिंपल दाल, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल एकदम, और टेस्टी एकदम होता है ढाबा स्टाइल। आप जानते ही हैं कितना टेस्ट होता है ढाबा पे। इसमें हम लोग डालते ही देखिए स्वाद अनुसार ये नमक डाल देंगे इसमें हम। इसमें हमने डाला, देखिए कि देखिए क्या डाला है, जीरा डाला और हरी मिर्च 50 ग्राम और 250 ग्राम टमाटर, 250 ग्राम प्याज। ये देखिए एकदम सिंपल है एकदम इसको बनाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं है। और हमने आधा किलो दाल उबाल कर रख दिया है और देखिए इसी में हम मिला देते हैं। अगर आपकी दाल मोटी होती है तो आप इसमें, अगर चावल पहले से बना रखे हैं, छान के चावल बनाते हैं, तो माड़ डाल सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्ट होता है। अगर आपके पास माड़ नहीं है तो आप पानी उबाल के डाल सकते हैं, जितना आपको मोटा पतला करना उसी हिसाब से डालिएगा आप। और बहुत सारा हरा धनिया कटा हुआ डाल दिए हैं। अगर ये हमारी आपको रेसिपी दाल वाली पसंद आती है तो हमारे ये दाल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर और कुछ बनवाना है मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और दाल मेरी कैसी लगी इसको भी कमेंट बॉक्स में लिख बताइए। तो आपसे हम मिलते हैं एक अगले रेसिपी में, जब तक के लिए राम राम।